हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी फ्लिपकार्ट पे एटीएम कार्ड से ऑर्डर करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट पे हम एटीएम से ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्लिपकार्ट को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आप अपने फोन में फ्लिपकार्ट को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम फ्लिपकार्ट पे एटीएम से ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्लिपकार्ट को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी खरीदना है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, वो आपको ओपन कर लेना है। चलिए यहाँ पे आपको मैं दिखाने के लिए कोई एक प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यही है, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ आ गया है, इसे कट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एड्रेस आ गया है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो पेमेंट के लिए है वो यहाँ पे खुल गया है। अब यहाँ पे आपको एटीएम से खरीदने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट, डेबिट और एटीएम कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इस पे टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कार्ड नंबर पूछा जाएगा, उसके बाद वैलिड जो ईयर मंथ होता है वो, और उसके बाद सीवीवी नंबर। चलिए मैं तीनों के बारे में आपको सबसे पहले बताता हूँ। कार्ड नंबर वो होता है जो कार्ड के ऊपर 16 अंक का जो नंबर लिखा रहता है वो यहाँ पे आपको डालना है। जो भी 16 अंक का नंबर होता है कार्ड पे वो यहाँ पे आप डाल देंगे सबसे ऊपर में। और उसके बाद नीचे है वैलिड थ्रू जो मंथ होगा, जो वैलिडिटी होता है इतने मंथ से इतने ईयर तक, तो आपको इसमें मंथ डालना है और इसमें ईयर डालना है। और आप जब कार्ड को पीछे की ओर देखेंगे तो काला पट्टी के बगल में आपको यहाँ पे 3 अंक का सीवीवी नंबर रहता है, वो यहाँ पे आपको डालना है। 3 अंक का होगा, वो यहाँ पे आप डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो कार्ड है, जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। वो पासवर्ड आपको पूछा जाएगा और उसके बाद वो पासवर्ड आप डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद आप ऑर्डर में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑर्डर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे ये ऑन किया हूँ। तो यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और सिंपल प्रोसेस होता है। ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे ऑर्डर हो जाएगा और वापस से आपको वापस से जो आपका फ्लिपकार्ट है उसमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको कोई भी यहाँ पे परेशानी आपको नहीं होने वाला है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोडक्ट पे फ्लिपकार्ट के एटीएम से कुछ भी खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं।